Good morning students. Students, today we will see how we can solve definite integrals by using substitution. So let's start evaluation of definite integrals by substitution. Previous lecture में हम definite integrals solve कर रहे थे और उसके लिए हम क्या कर रहे थे, पहले indefinite integral कर रहे थे given integrand का और उसके बाद जो value मिल रही थी हमको उस पर हम क्या कर रहे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे थे, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज कर रहे थे इंटीग्रेशन के बाद. क्लियर? यहां पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो साथ में लिमिट्स को भी चेंज करते जाएंगे. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पहले से सॉल्व कर रहे थे और फिर सब्स्टिट्यूशन का यूज करके. I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये वैल्यू गिवेन है हमको. नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी. अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी सपोज कर ले, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, तो x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt by 2, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, इसका लिमिट्स को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, इंटीग्रल dt अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. बट 1/2 इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज लॉग t, हो जाएगा लॉग mod t plus integration constant c. क्लियर? और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 log mod t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c. नाउ क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है इसका, तो अब क्या करेंगे, इस एंटी डेरिवेटिव में या इंटीग्रल में जो हमने फाइंड किया हुआ है उसमें क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू क्या मिलेगी हमको इस इंटीग्रल की, ये वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर देंगे 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 लोअर लिमिट 2 और फिर ऊपर अपर लिमिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, सी से सी कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया इसको, लॉग मॉड 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग मॉड 2 स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग मॉड 4 स्क्वायर प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है आपका, 1/2 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 17 माइनस लॉग मॉड ये 4 प्लस 1 5. अब क्योंकि मॉड 17 और मॉड 5 दोनों में ही जो नंबर्स हैं अंदर वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो मॉड लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. इसको हम सिंपली लॉग 17 माइनस लॉग 5 भी लिख सकते हैं और लॉग 17 माइनस लॉग 5 को हम लिख सकते हैं लॉग 17/5 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. तो i की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 log 17/5. तो ये तो हमारा ओल्ड मेथड है जिससे हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, अब हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे इसको, साथ में लिमिट्स भी चेंज करते जाएंगे. तो इस केस में जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको और साथ में लिमिट भी चेंज करेंगे. एक्स इज इक्वल टू 2 जब होगा, लोअर लिमिट जब होगी यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 वी विल गेट टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 4 जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 4 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 16 प्लस 1
70, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 70, क्लियर। तो 2 पे 5 मिलेगा और 4 पे 17 वैल्यू मिलेगी। और इसीलिए जब सब्सटीट्यूशन हम करेंगे अपने गिवन इंटीग्रल में, तो x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt upon 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के प्लेस पे t, लोअर लिमिट क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट भी अब t के रेस्पेक्ट में ही हम लेंगे। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 17। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, सॉरी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/t लॉग, और टी के प्लेस पे अब वैल्यू क्या रखोगे आप इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करेंगे यहाँ पे, तो लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट क्या है 17, ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे इसमें 1/2 लॉग मॉड 17, मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है, 17 पॉजिटिव है, माइनस लोअर लिमिट 1/2 लॉग 5, तो वैल्यू आ गई 1/2, अगेन कॉमन है, लॉग 17 माइनस लॉग 5 मीन्स लॉग 17/5, क्लियर। तो इस केस में भी वही रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट दोनों ही केस में सेम मिलेगा, बस इसमें आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है, अगर साथ में आप लिमिट्स भी चेंज करते जाओगे तो स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके, क्लियर। तो इसमें जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो साथ में क्या करेंगे, लिमिट्स को भी चेंज करते जाएंगे, अगर डेफिनेट इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हैं तो। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस साइन 2x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए एक सेट पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है, जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर हो या माइनस कॉस एक्स हो, अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस b साइन 2x, मतलब डिनोमिनेटर में साइन 2x आपको दिख रहा हो और न्यूमिनेटर में आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा कुछ हो, तब आप क्या करेंगे उस केस में, देखो अगर 1 प्लस साइन 2x को हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से साइन 2x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और इसी को अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, तभी आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस साइन 2x, तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। अब किस केस में हम साइन 2x की वैल्यू यहाँ से लेंगे और किस केस में यहाँ से लेंगे, अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव है, ये है साइन एक्स माइनस
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसको किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें ये। अगर हमारे पास क्या हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स। तब हम ये वाला केस यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसको जो है सब्सिट्यूट करना होगा एज अ एज एज टी, क्लियर। और जब भी हमको न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए होगा या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए होगा, मतलब जब बीच में माइनस साइन होगा, तब आप यहाँ से इस वाले केस से साइन टू एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो इस केस में हम क्या लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये वाला केस लेंगे, यहाँ से साइन टू एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से साइन टू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो नाउ वी विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टी प्लस साइन टू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ अगर हम सपोज कर लें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका जो न्यूमरेटर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट होगा किससे, डी टी से। और यहीं पर हम लिमिट्स पे चेंज कर लेंगे, इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो क्या होगा, वन, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस वन। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन। एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, अगर पाई बाई फोर पुट करेंगे इसमें तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई फोर पे साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू और कॉस पाई बाई फोर भी क्या होता है, वन बाई रूट टू। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, क्लियर। तो नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर, सॉरी, तो आपकी लिमिट सब चेंज हो गई यहाँ पे, अब टी के टर्म्स में लिखी जाएंगी वैल्यूज। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट कितनी हो गई, माइनस वन, और अपर लिमिट कितनी हो गई टी के टर्म्स में, जीरो। तो नाउ वी हैव डी टी अपॉन फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का टी टी स्क्वायर, क्लियर। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, कंटिन्यूएशन हम जानते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन टू ए, ए मीन्स टू, तो टू इंटू टू लॉग ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स मीन्स टू माइनस टी। और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये वन अपॉन फोर तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ही लिख लो, और अंदर आप करोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट करेंगे जब लॉग टू प्लस जीरो अपॉन टू माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में क्या मिलेगा आपको, लॉग टू माइनस वन मीन्स वन अपॉन टू माइनस माइनस वन मीन्स थ्री, तो टू बाई टू कैंसिल, वन अपॉन फोर, और ये हो जाएगा माइनस लॉग
log 1 by 3 को क्या लिख सकते हैं हम, दिस वैल्यू हियर log 1 विल बिकम 0, 2 by 2 1, log 1 विल बी 0 माइनस, और यहां पे log 1 by 3 को क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log 3, क्लियर। अगेन log 1 क्या हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी log 3 अपॉन 4, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर द गिवन इंटीग्रल। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिले, ऊपर आपको sin x plus cos x, sin x minus cos x या cos x minus sin x दिखे और डिनोमिनेटर में sin 2x दिखे, तो आप तुरंत इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लेंगे। अगर प्लस साइन है तो आप क्या करोगे, ये यूज करोगे 1 minus sin x minus cos x का होल स्क्वायर, और अगर ऊपर माइनस साइन है तो आप यूज करोगे क्या, ये वाला फर्स्ट वाला केस, यहाँ से वैल्यू लोगे sin x plus cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आएगी sin 2x की। यहाँ पुट करके फिर सब्स्टिट्यूशन करके साथ में लिमिट चेंज करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस शीट फॉर टुडे, सॉल्व दीज इंटीग्रल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू।